एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए व्हेन द इक्वेशन इज इक्वल एंड सेम रूट्स। जब इस इक्वेशन के इक्वल और सेम रूट्स होते हैं तब के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इक्वल देखिए इधर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो मुझे बात समझ आ गई, इधर बाकी ये बोल रहा है जब इक्वल और सेम रूट्स हो, और मुझे ये मालूम है तीन कंडीशन होती है जब डी की वैल्यू जीरो के इक्वल हो, डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और डी की वैल्यू लेस देन जीरो। इसमें तो नॉन रियल रूट्स होते हैं तो इसके अगर हम बात नहीं करते, इसमें रियल रूट्स होते हैं, इसमें भी रियल रूट्स होते हैं, लेकिन इसमें जो होते हैं वो डिफरेंट रूट्स होते हैं और इसमें सेम रूट होते हैं। यानी डी की जब वैल्यू जीरो आती है तब सेम रूट्स भी होते हैं और रियल रूट्स भी होते हैं, तो ये वाली कंडीशन यहां पर लगेगी। क्वेश्चन में बोला जब इनके रियल और सेम रूट्स हो तब, तो बात करते हैं अभी इधर 2x² पर, तो मैं डी की मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूं 2, बी की वैल्यू है के और सी की वैल्यू है 3। ठीक है, हमने ए बी सी की वैल्यू लिख ली, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल्स टू डी। अब मुझे बोला जब डी की वैल्यू 0 व्हेन डी इज इक्वल्स टू 0, डी की वैल्यू 0 होगी क्यों, क्योंकि इसके इक्वल और रियल रूट्स हैं, तो डी इज इक्वल्स टू 0 यानी के स्क्वायर माइनस, एक साइड में मार्कर चेंज कर लेता हूँ, के स्क्वायर माइनस 24, के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 24 है इज इक्वल टू, उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा पॉजिटिव का, ये आ गया पॉजिटिव का, स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा रूट प्लस माइनस रूट 24, जो कि मेरा क्या है आंसर, मेरा क्या है आंसर। अब ये बात कई जने सोच रहे होंगे प्लस माइनस कैसा आया, इसके लिए आपको मेरी पहले वाली वीडियोस देखनी पड़ेगी तब आपको पता चलेगा प्लस माइनस कैसा आया। मैं इसमें वैसे बता देता हूँ, जब भी रूट हटता है, जबकि सॉरी स्क्वायर हटता है और रूट लगता है, तो दो पॉसिबिलिटी इसे हो सकती है कि एक ही आंसर पॉजिटिव का हो और एक आंसर क्या हो नेगेटिव का, तो पॉजिटिव का भी हो सकता है नेगेटिव का हो सकता है। तो मेरी के की वैल्यू हो गई प्लस 24 और नेगेटिव 24, इनमें से कोई एक होगी तो हम एक साथ लिख लेते हैं प्लस माइनस रूट 24। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, मुझे बोला है के की वैल्यू फाइंड आउट करिए, लेकिन के की वैल्यू तो तब फाइंड आउट होगी जब यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो, क्योंकि रूट्स तो तब भी बात आएगी, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तो नहीं बन रही है, हो सकता है मैं इसमें कुछ सॉल्व करूँ फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, लेकिन वो बात क्या है एट अ पॉइंट अभी नहीं बन रही, तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। kx को मल्टीप्लाई करता हूँ तो होगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भले x² का कोफिशिएंट कुछ भी हो लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन रही है, हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है, तो a की वैल्यू आ गई k, b की वैल्यू आ गई माइनस 2k और c की वैल्यू आ गई 6। d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं b² माइनस 4ac, b की वैल्यू दे रखी माइनस 2k माइनस 4 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई 6। ये अभी तक सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट करी है और कुछ भी नहीं करा है, अब इसमें मैं सॉल्व करता हूँ। 4 ये स्क्वायर है, 4k² माइनस 24k, मेरे पास d की वैल्यू आ गई 4k² माइनस 24k। अब मुझे क्वेश्चन में बोला है रूट्स आर रियल एंड सेम, जब रूट्स रियल होंगे और सेम होंगे तो d किसके बराबर होगा 0 के इक्वल होगा। अगर d 0 के इक्वल है तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 4k² माइनस 24k किसके इक्वल आ गई 0 के इक्वल। अब मुझे इसमें थोड़ी सी और एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर भी 4k कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 4k कॉमन आ रहा है, यानी 4k मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, कैसे 4k लिखा तो ये रह गया k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये वही फैक्टराइजेशन मेथड या जिसको मिडिल स्प्लिट टर्म मेथड भी कह सकते हैं, ये चीज़ भी 0 के इक्वल, ये चीज़ भी 0 के इक्वल, तो k की दो वैल्यूज बन जाएगी 4k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये k है हमारा, 4 मल्टीप्लाई का है उधर आगे डिवाइड का हो जाएगा तो 0/4 एंड 6 इधर माइनस का है उधर आगे प्लस का हो जाएगा तो ये आगे 6। किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करो 0 कि और ये आ गया हमारा 6। तो k की दो वैल्यूज आ गई, एक k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6, यानी 0 तो कोई वैल्यू है नहीं फिर भी हम एक बार इसको कंसिडर कर लेंगे और 6 भी हो सकती है हमारी वैल्यू, तो वैसे तो 0 और 6 दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है इज इट पॉसिबल टू मेक द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, क्या ऐसा पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना जिसकी जो ब्रेथ है, जिसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है उसकी ब्रेथ के और उनका एरिया है 800 m², लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करिए। तो मैंने ब्रेथ को x मान लेते हैं, अगर ब्रेथ x है तो क्वेश्चन में बोला है जो लेंथ है वो क्या है ट्वाइस है, तो लेंथ ट्वाइस है किसकी ब्रेथ के, तो 2x। अब क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है एरिया जो है इनका, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव, जो रेक्टेंगुलर ग्रूव का एरिया होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ है मेरी x, 2x, और जो ब्रेथ है मेरी x, यानी 800 इज इक्वल टू, या मीटर लगेगा, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2x स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई का है, उधर आगे डिवाइड का हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू x स्क्वायर। रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, दो वैल्यूज होंगी। अभी पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में। अब इसकी फाइंड आउट, तो प्लस माइनस 20, तो x की वैल्यू है तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव 20 और x इज इक्वल टू नेगेटिव 20। यानी जो x यानी ब्रेथ की वैल्यू, या तो पॉजिटिव 20 आ सकती है या नेगेटिव 20 आ सकती है। क्या कभी ब्रेथ नेगेटिव आ सकती है क्या? नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे, वी रिजेक्ट x इज इक्वल टू माइनस 20 बिकॉज ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ब्रेथ को नेगेटिव नहीं कर सकते, देन x इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू ब्रेथ। ये मेरी ब्रेथ आ गई। अब मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 20, यानी लेंथ जो है वो मेरी 40 मीटर है और ये मेरी है 20 मीटर। ठीक है, बस यही मुझे फाइंड आउट करना था, कंडीशन पॉसिबल है। हाँ भाई, रेक्टेंगुलर ग्रूव हम बना सकते हैं।